नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनई क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कविता बहुगुणा। तो चलिए रुक करते हैं आज की इस अहम और ताजी खबर के साथ। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों के बाद अब उत्तराखंड में भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण परियोजना प्रोजेक्ट भोग को लागू कर दिया गया है। अब प्रसिद्ध जागेश्वर धाम मंदिर को भी इस योजना से जोड़ दिया गया है। ज्ञात रहे कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के वाक्य के बाद से देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में बनने वाले प्रसाद की नियमित प्रयोगशाला जांच शुरू करने के निर्देश हैं। ऐसी स्थिति में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध देवभूमि उत्तराखंड में भी यह योजना लागू की गई है। यहाँ के भी प्रसिद्ध मंदिरों में बनने वाले प्रसाद की अब शुद्धता की जाँच की जाएगी। बता दें कि अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम प्रोजेक्ट भोग के अंतर्गत आएगा। यह योजना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा मंदिरों और धार्मिक स्थलों में सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला प्रसाद और भंडारा सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है। बताना चाहेंगे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, महासू देवता और हरिद्वार के मंदिर इस प्रोजेक्ट से पूर्व से ही जुड़ चुके हैं। योजना के तहत जागेश्वर धाम में प्रसाद और भंडारा तैयार करने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद ऑडिट होगा। सफल ऑडिट के बाद फूड सेफ्टी कमिश्नर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भक्तों को सुरक्षित और हाइजीनिक प्रसाद और भंडारा उपलब्ध कराना है, जिससे धार्मिक स्थलों पर बेहतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो आइए जानते हैं इस विषय में क्या बोले खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी। हमारे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, पूजा स्थल है, इसके लिए हमारी जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन एक भोग प्रोजेक्ट शुरू किया है। भोग का मतलब ब्लिसफुल ऑफरिंग टू गॉड, जो प्रसाद जो दिया जाता है तो उसकी क्वालिटी एंड सेफ्टी को लेकर कुछ पैरामीटर बनाए हैं। और इसका जो है हमारा एक पोर्टल भी है, पोर्टल के थ्रू जो है मंदिरों का इसमें रजिस्टर्ड कराया जाता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में हमारे जो है केदारनाथ है और बद्रीनाथ है और ये जो है इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हरिद्वार के कई मंदिर रजिस्टर्ड हुए हैं और महासू देवता टेम्पल जो है देहरादून में है वो भी इस प्रोजेक्ट में, वो भी इसके तहत रजिस्टर्ड हुआ है।